ओम शांति। मैं दादी जी के कमरे में बैठी हूँ और इस कमरे में अभी 12 दिन से योग लगातार चलता रहा है सारा दिन भर, और फिर 12 बजे हर रोज़ भोग भी लगता और शाम को 6:30 से 7:30 तक भी योग लगता विशेष। परंतु वैसे 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यहाँ कोई न कोई आता ही रहता योग के लिए। तो दादी जैसे कि ये स्थान को एक तपस्या का स्थान बना करके गई है, और जो भी आजकल के मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे रुक्मणी बहन के द्वारा, चाहे मोइनी बहन न्यूयॉर्क में, चाहे वेदांती बहन, सभी का मैसेजेस का सार यही आ रहा है, तपस्या तपस्या तपस्या। तो दादी ने ऐसा समय चुना उड़ने के लिए जबकि जो दादी के मन में होता था बिल्कुल हर बात सिंपल रहे। एक तो वो सिंप्लिसिटी भी रही, दूसरा एक नामी इकोनॉमी, कहाँ सभी लोग भाग दौड़ करके आकर पहुँचे वो भी दादी नहीं चाहती थी, फूलों पर भी खर्चा हो वो भी नहीं हुआ, कारण कि आना जाना ही बंद था, फूलों को कैसे मंगा सके, तो जो बगीचे के यहाँ के ही फूल थे वो ही दादी के ऊपर आए। और समय ऐसे चुना है जबकि हर एक को विशेष योग का समय मिले। तो आज ही बातचीत चल रही थी कि जब कोई विशेष आत्मा शरीर छोड़ती उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है संसार पर। तो जब दादी को अहमदाबाद से लेके आए थे आबू में, तभी तो ऐसे कोई संकल्प नहीं था कि कुछ लॉकडाउन होने वाला है, और थोड़े दिनों के बाद ही वो शुरू हो गया। पहले एक दिन का कर्फ्यू और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। तो हर बात का कनेक्शन होता, हम ये नहीं कहते हैं कि इस कारण से ये बात हुई, परंतु जो कनेक्शन की बातें हैं हम देखते हैं कि कैसे बातें जुटती जाती। तो दादी के जो शुद्ध संकल्प होते थे बाबा अवश्य ही ब्रह्मानुसार वो संकल्प पूरी करते थे। तो दादी के इतिहास को तो आप जानते ही हैं कि शुरू से ही उसका बहुत ही सेवा के लिए लगन रही। जब दादी 8 साल की थी तो भी घोड़े गाड़ी में जाकर के गांवों आजू बाजू जो थे वहाँ पर अपने, जो सिंध की बात है तो वहाँ पर लोग हिंदू होते भी उनका डाइट चेंज हो गया था, तो फिर दादी उनको जाकर के वैष्णव भोजन के लिए शिक्षा देती थी, प्रेरणा देती थी, और उनको कन्विंस करके उनको वो चेंज करा लेती थी। उसी उम्र में दादी सुखमणि का पाठ पढ़ करके बीमारों के पास जाती थी, पानी का लोटा साथ होता था, प्रार्थना करके फिर सुखमणि पढ़ कर उनको जल देती थी तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती थी। तो इस प्रकार से दादी खुद भी बचपन से एक तो सेवा की भावना, दूसरा भगवान को जानने की भावना, चारों धाम के जो भी मंदिर है, अपने तीर्थ स्थान है भारत के, 11 वर्ष की आयु से उसने बाप को कहा कि मुझे इन चारों ही स्थानों पर ले चलो। और प्रश्न ये है कि आप मुझे अपना भगवान का अनुभव बताओ, परंतु वो नहीं बता पाते थे। तो आप सोचो कि 84 जन्म में जो अंतिम जन्म है उसमें भी सेवा भावना हो और साथ साथ भगवान के प्रति बहुत प्यार भरी भावना हो, सत्यता को जानने की भावना हो, ये संगम युग से शुरू होता, तो सारे कल्प में इस आत्मा का किस प्रकार के संस्कार रहे और किस तरह से बिल्कुल बहुत बड़ी दिल, बहुत फ्राक दिल से हर आत्मा को जो चाहिए
सपनों को देने के लिए तैयार। तो मैं बचपन से ही दादी को जानती हूँ। 1957 की बात है, जब अप्रैल मास में बच्चों का क्लास चलता था और दादी फिर आकर के हम लोगों को टोली खिलाती थी आदाद। तो 1957 से आज तक 63 ईयर्स से मैं दादी को जानती हूँ, क्योंकि बचपन में भी लंदन में गए तो भी दादी के पत्र आते थे, तो पत्र से भी वो कनेक्शन जुड़ा रहता था। फिर जब हम भारत आते थे तो भी दादी से अवश्य ही मिलते थे, और फिर जब घड़ी आई ज्ञान लेने की, वो भी दादी ही हमारे लिए निमित्त बनी। पूना में थी दादी तो मैं उसके पास ही गई थी। फिर बाबा के साथ नज़दीक का, समीपता का संबंध जोड़ने के लिए भी दादी ही निमित्त। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अक्टूबर 68 में जब साकार बाबा मुझे दीदी मनमोहिनी के साथ टूर पर भेजते थे और बड़ी दीदी को कहा कि इसको कहाँ पर भी तुम फिक्स करो सेवा के लिए, तो लास्ट में बाबा ने मुझे ये भी कहा कि तुम अपने माँ बाप को तो पत्र लिखेंगे ही ज़रूर, परंतु तुमको दादी के साथ भी पत्र व्यवहार करके संबंध रखना है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा मुझे कहते हैं कि खास दादी के साथ संबंध रखो। मुझे खुशी थी, परंतु आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड। तो आगरा से भी हमारा पत्र व्यवहार दादी के साथ चलता रहा। फिर तो बाबा अव्यक्त हो गए और दादी जानकी फिर हमारी बट्टी, फर्स्ट कुमारियों की बट्टी की टीचर थी। तो दादी को पूर्व कल्प की स्मृति होंगी, क्योंकि दादी ने मुझे कहा कि तुम लंदन जाओ सेवा के लिए। तो मेरा मन नहीं मानता था, क्योंकि भारत में तो सारा बड़ा परिवार, इतनी सेवाएं, बहुत रौनक, और मुझे मालूम है कि वहाँ तो सेंटर भी नहीं है, मुझे जाके लौके घर में रहना है, तो वो तो चलो आराम से रहेंगे परंतु सेवा तो नहीं हो पाएंगी। तो दादी मुझे कहे कि बहुत सेवा है वहाँ। मैं दादी को कहती थी कि दादी बहुत मायावी स्थान है, सेवा नहीं होंगी दादी, लोग मेडिटेशन नहीं समझने चाहते हैं, नहीं समझते हैं। तो दादी जैसे कि शांत होकर के, जैसे कि दूर दूर कुछ दृश्य देख रही है, फिर कहती है मुझे तो हज़ारे लोग नज़र आते हैं जो सामने बैठ के ज्ञान सुनने के लिए तैयार है, चाहते हैं। तो फिर अव्यक्त बाबा ने मुझे कहा लंदन जाने के लिए, तो रामानुसार जाना हुआ। फिर जगदीश भाई जब दादी के पास गए थे, ये है 1971 की बात, पहले तो जगदीश भाई दीदी मनमोहिनी के पास गए, रमेश भाई भी साथ में थे, कि विदेश की सेवाएं अब नहीं शुरू करेंगे तो कब होंगी, क्योंकि बाबा तो अभी अव्यक्त हो चुके, तो अभी तो हमको कुछ तो करना चाहिए। तो दीदी ने उन्हों को भेजा दादी जानकी के पास कि विदेश का कनेक्शन इसी का ही है। तो दादी ने, रजनी बहन हमारी माता जी, और हमें पत्र लिखा कि डेलीगेशन अमेरिका जा रहे हैं, उन्हों को योगा कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण है। रमेश भाई का कुछ भतीजा था, कुछ ऐसा कुछ संबंध था जो बुला रहे थे रमेश भाई को। तो फिर कहा कि लिखत में भेजा कि यदि आप चाहो तो वो लंदन में भी रुक सकते। तो हम तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि 5 लोग यज्ञ से आएंगे विदेश में, और वो सीन ऐसे होंगे जो वो हमारे घर पे भी रुकेंगे। हमारे पिताजी को बहुत पसंद था मेहमान नवाजी करना, और बाबा को भी जानते थे, दादी को भी जानते थे, तो उसने बहुत प्यार से सब तैयारियां की उनके आने की। तो 5 लोग, जगदीश भाई, रमेश भाई, शीलेंद्रा दादी, डॉक्टर निर्मला और रोजी बहन, ये सब 5 हमारे पास एक मास रहे, और उसमें धूम मची सेवा की। जो कनेक्शंस बन गए थे 2 वर्ष के अंदर, वो सब जैसे कि उस घड़ी में सफल हुए, वो दरवाजे खुल गए और बहुत अच्छी सेवाएं चली। तो फिर सेंटर भी स्थापन हो गया, और फिर
1974 में मैं भारत में ही आई हुई थी, तो बाबा ने फिर दादी को बोला विदेश जाने के लिए। तो मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि दादी की तबीयत ऐसे होंगी जो विदेश आ सके, परंतु बाबा ने कहा, फिर मुझे भी कहा गया कि दादी को आप साथ दो। तो मैंने कहा कि वहाँ पर तो बहुत ट्रांसलेटर्स अभी है, बाबा का ज्ञान तो वहाँ पहुँच चुका है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना होगा। फिर अव्यक्त बाबा ने कहा कि बेटी को जाना होगा दादी के साथ। तो बाबा ने जो आज्ञा दी उस मुरली के अंदर, बाबा के कमरे में दादियाँ बैठी थी, मुझे भी हाजिर होना था, बड़े भाई भी थे। तो बाबा जैसे डायरेक्शंस दे रहे हैं दादी को कि तुम वहाँ जा रही हो मधुबन का मॉडल बनाना, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा टिक टिक सुनने की आदत नहीं है, लंबी लंबी कथाएं नहीं सुनते हैं जैसे भारत में सुनते हैं, तो आप उन्हों को ज्ञान का सार बताना और साइलेंस का अनुभव कराना। उन्हों को बहुत प्यास है कुछ हम अनुभव करें, तो आप उन्हों को ऐसे साइलेंस में ले जाना जो उन्हों को बाबा का कुछ अनुभव हो जाए। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे कमरा, जो बाबा का कमरा उस समय था, ऐसे कमरा आपको वहाँ भी मिलेगा, और जो आपके मन में प्रश्न है आप बाबा से पूछेंगे और बाबा आपको उसका उत्तर देंगे। तो बाबा ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए सेवा के प्रति। और सचमुच वो था अप्रैल का मास, और 2-3 दिन के बाद हम लोग लंदन में पहुंच गए थे, अप्रैल 25 तारीख 1974। और जनवरी मास में, मीन्स 8 मास के बाद, जो फर्स्ट ट्रांसलेट का चित्र था आबू का, वो चेंज करने वाले थे, तो दादी जी ने वो मुझे चित्र दिया कि तुम लंदन लेके जाओ। उस समय बाजू वाला मकान हम ले रहे थे टेनिसन रोड में, वहाँ पर तुम यूज़ करना। तो पहले तो दादी ने ये भी कहा कि दादी जी कि आप इतना बड़ा चित्र रख सकेंगे। मैंने कहा दादी जानकी को तो बहुत ही पसंद आएगा और सबको प्राप्ति होंगी, तो हाँ दादी हम ज़रूर यूज़ करेंगे, बड़ा चित्र की कोई बात नहीं, हर एक को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो वो चित्र आज दिन तक वहाँ पर टेनिसन रोड पर है, और वो कमरा बिल्कुल जैसे मधुबन का कमरा, और ख़ास करके वो बाबा की ट्रांसलेट, मधुबन की ही ट्रांसलेट। तो वो ट्रांसलेट जो अपने पास आई, जैसे मधुबन के वाइब्रेशंस बाकी भी आ गए, तो दादी का त्याग, बहुत सिंपल लाइफ, दादी की तपस्या, दादी का नियम, कहते हैं कि नियम में बल होता, तो दादी को बहुत पक्का होता था जो दिनचर्या मधुबन की है ऐसी ही हमें बना के रखनी है। तो 4 बजे का योग बिल्कुल पक्का, और दादी ये नहीं सोचती थी कि ठंडी है कैसे होगा क्या होगा, नहीं, जो मधुबन का टाइम टेबल है 4 बजे तो 4 बजे, फिर बाद में 6:15 बजे योग और 6:30 बजे मुरली। और उसमें भी पहले तो हम घर वाले ही थे जो उस समय हाजिर थे, उस समय बहुत बड़ी प्रदर्शनियाँ रखी हुई थी, तो वहाँ पर रमेश भाई, उषा बहन, मोहिनी बहन, डॉक्टर निर्मला, सब महारथी हाजिर थे। तो जब दादी पहुँची है तो हम लोग क्लास में वही होते थे, परंतु दादी ने कहा नहीं, आप औरों को भी इतला करो, औरों को भी ये आदत डालो सवेरे के क्लास की। तो वहाँ से सवेरे का क्लास शुरू हुआ। और उन दिनों में क्या था कि डॉक्टर निर्मला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और हम लोग फिर चले जाते थे प्रदर्शनी में। तो दादी ने एक दिन जल्दी ही, जैसे हम पहुँचे, तो मीटिंग करके ये बात कही कि अच्छा अभी सुबह एग्जीबिशन कौन जाता, शाम कौन जाता, और डॉक्टर निर्मला हॉस्पिटल में है, उसका उसके लिए कौन रेख देख कर सकता, तो वो हम प्रोग्राम बनाए। तो दादी ने खुद ही कहा कि मैं तो इंग्लिश नहीं जानती हूँ,
परंतु आप मुझे बस दिखा देना, मैं भोजन बनाकर भोग लगा के मैं डॉक्टर निर्मला के पास हर रोज़ 11:30-12 बजे जाएंगी भोजन लेकर के। फिर जो फर्स्ट ग्रुप आएगा उनों के लिए भी भोजन तैयार होगा और शाम का भी फिर वो लोग खा करके चले जाएंगे। तो दादी खुद ही इतनी नम्रता से, वैसे तो मधुबन में तो दादी सब बढ़िया करा रही थी तब तक, तो मेन दादी दीदी दादी के साथ दादी जानकी ही पाठ बजा रही थी उस समय, परंतु दादी की इतनी नम्रता जो दादी ने ऐसे अपने मुख से कहा, तो हम सभी यही कहते थे दादी आप कैसे भोजन बनाएंगे। दादी कहती थी मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो अनेकों को खिला सकती हूँ, ये क्या बड़ी बात है, मुझे तो ये खुशी की बात है, मैं ज़रूर ये करेंगी। फिर दादी आप बस में कैसे आना जाना करेंगे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, क्योंकि दादी की हमेशा नाजुक तबीयत ही रही है। तो दादी कहे कि कौन कहता है तबीयत ठीक नहीं, देखो मैं तो चंगी भली हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सोचो कि दादी के लंदन आने पर दादी की पहले सेवा थी भोजन बनाना, एक माता मददगार थी, परंतु दादी का हाथ तो भोजन बनाने में भी बहुत होशियार, बहुत टेस्टी भोजन, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाती थी। साकार बाबा भी उस मिठाई को ज़रूर थोड़ा सा टेस्ट करते थे। तो दादी ने ये सेवा की, तो कितनी नम्रता, सेवा भाव, त्याग, सिंप्लिसिटी दादी को दिखा लिया। ये है बस स्टॉप और फलानी दुकान के सामने ये बस स्टॉप आप उतरना, फिर सीधा रास्ता है। ये तो अच्छी बात थी कि 5 मिनट के रास्ते पर ही बस थी, और दादी ने देख लिया कि हॉस्पिटल जाने का कौन सा नंबर बस है और कैसे जाती। दादी जब यज्ञ में पहले आई तो दादी का ड्यूटी भी एक ऐसी ही थी, 11 वर्ष तक दादी पहले कराची में और फिर बाद में आबू में भी नर्स का पार्ट बजाया। तो दादी की तबीयत बचपन से ही नाजुक रही है शायद इस कारण से, या कुछ भी कहो, परंतु दादी को पेशेंट्स के लिए बहुत रहम भावना, उनको किस तरह से संभाला जाए, कैसे उनको बाबा की याद दिलाई जाए, उनके लिए कैसे भोजन बनाया जाए, दादी सब कुछ जानती थी। और फिर साथ साथ जब दादी इतनी सेवा करने के लिए तैयार थी पेशेंट के लिए, खुद खाना पका के बस में लेके जाना, तो दादी हम लोगों को कहती थी आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोग आपकी जो सेवा है आप उसमें बिज़ी रहो। तो फिर हम लोग उसमें भी बिज़ी हो जाते थे। तो ये सब बातें दादी का जो जीवन है, कहते हैं ना कि जीवन ही एक पुस्तक बन जाता, आप कितनी भी कहानियाँ बैठ के लिखो, परंतु जो आपका जीवन है उसकी जो लेगेसी है सबके दिलों में रह जाती। तो दादी को तो हम जब याद करेंगे तो दादी का वो तपस्या का टाइम याद आता, और हर बात में दादी कहती थी कोई भी बात है योग में बैठो, योग से सब बातें ठीक हो जाएंगी। तो अभी भी जैसे संसार के हालतें हैं तो मैसेज यही आ रहे हैं, तपस्या करो, योग करो, बाबा का संदेश इसी तरह से ही आता रहता है। तो दादी की खुद की तपस्या ज़बरदस्त रहती थी, और ऐसे नहीं सिर्फ कि अमृत वेले उठ के योग करना है, नहीं, दादी का दिन भर जो स्थिति थी उस स्थिति में ही हम देखते थे कि किस तरह से दादी का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। और दादी का ज्ञान मंथन वो तो प्रसिद्ध है, हर रोज़ जो दादी क्लास कराती थी, चाहे मुरली से पहले चाहे मुरली के बाद। मैं समझती हूँ कि जो विदेशी इतना ज्ञान में आए और अपने जीवन को इतना सहज सहज परिवर्तन किया, तो जो पहले आत्माएं लंदन में निकली वो वही लोग फिर विश्व के कोने कोने में गए सेवा स्थापन करने के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे ब्राज़ील चाहे अनेक और स्थानों पर भी गए। तो दादी का प्रैक्टिकल जीवन ये लोग देखते थे कि दादी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सच्ची सच्ची निस्वार्थ भावना, और उस भावना से बस सेवा,
जो कुछ है बाबा के लिए है, यज्ञ के लिए है। दो बातें दादी की प्रसिद्ध होती थी, दादी का भंडारे पर ध्यान और भंडारी पर ध्यान। भंडारे के लिए दादी कहती थी, जितना शुद्ध अन्न होगा उतना शुद्ध मन सहज हो सकेगा। तो चाहे बाहर वालों के लिए हम प्रसाद कह के बनाते हैं, चाहे घर वालों के लिए टोली बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, दादी उस कार्य को बहुत महत्व देती थी। कहती थी कि यज्ञ की जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, हार्ट है यज्ञ का, वो है भंडारा। और फिर दूसरा भंडारी। दादी तो कई बार हमको कहती थी, हाथी को बांधना सहज होता, हाथी को फिर और आगे खिलाना वो काम कौन करेगा। तो इतनी सेवा हो, इतनी सेवा करो जो दूसरे के मन में भावना आए कि हम कुछ भगवान के कार्य में मदद करें। और जो कुछ भी आएगा, पहले तो दादी को यज्ञ यज्ञ याद आता, यज्ञ में हम कैसे भेजें, यज्ञ के लिए हम क्या हिस्सा निकालें, कैसे हम क्या करें अभी। तो हर यज्ञ के कारोबार में ओम शांति भवन से लेकर सब जो भी रहे हैं कारोबार, उसमें दादी हमेशा समझती थी कि हमारा हाथ ज़रूर उसमें कुछ सहयोग का होना चाहिए। तो वो भी कार्य दादी, जो भी टीचर्स हैं विदेश के, जो शुरू शुरू के हैं, जिन्होंने पालना ली है दादी की, उनों के मन में भी ये दादी ने अच्छी तरह से विश्वास बिठाया, भंडारा बहुत इम्पोर्टेंट, सफाई हो वहाँ पर, और फिर साथ साथ बहुत प्यार से बाबा के लिए भोग लगा करके, बाबा को तैयार करके बाबा को भोग लगाए। और फिर भंडारी, भंडारी भी भरपूर तब होंगी जबकि यज्ञ का ध्यान रखेंगे। तो दादी बहुत ध्यान रखती थी यज्ञ के सहयोग के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि अब जो ये अंतिम चैप्टर चल रहा है संगम युग का, दादी ने जो अपने जीवन में करके दिखाया, अभी हमें वो समय है जो दादी को रिटर्न देने के लिए हम भी अपने जीवन में वो बातें दिखाएं। दादी की कई बातें तो प्रसिद्ध है, दादी की पांच उंगलियों का काम सदा प्रसिद्ध है, दादी वो पांच उंगलियों का हिसाब कई बार बताती थी। तो अभी ये लास्ट चैप्टर में ये जो पांच उंगलियों की बात है, बुद्धि में और किसी के प्रति कुछ भी ना आए, सिर्फ शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना, और साथ साथ हर एक की स्पेशलिटी देखना, और फिर इतना रिगार्ड रहे जो ऑटोमेटिकली वो हमें भी रिगार्ड दे सके। तो ये पांच उंगलियों की कहानी दादी तो डिटेल में कई बार सुनाती रही है, परंतु वो याद आता कि दादी का हमेशा ये था कि जहाँ भी संगठन हो, संगठन बहुत मजबूत रहे, संगठन के अंदर बहुत प्यार की शक्ति बनी रहे। तो मुझे मालूम है कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर में तो है ही ऐसा, जब मैं वहाँ आती हूँ बहुत प्यार का वातावरण सदा प्राप्त होता, और फिर उसमें ऐसी सुंदर जगह, जो आप लोगों का भाग्य है जो आप सभी वहाँ पर हो, परंतु ऐसी सुंदर जगह भी सेवा के लिए मिली हुई है। तो कदम कदम पर, श्वास श्वास पर, जिस तरह से दादी ने अपने जीवन को बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया है, तो मन में यही भावना है कि बाकी जो कुछ भी रही हुई सेवाएं हैं योग शक्ति के द्वारा, उन सेवाओं को हम जल्दी जल्दी संपन्न करें, ताकि बाबा का कार्य अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, तैयारियां अच्छी हो जाए, फिर हम लोग चलेंगे वतन की ओर। और हाँ, ये भी मालूम है कि उस वतन के बाद यहाँ साकारी दुनिया में ही आना है, परंतु साकार दुनिया में भी होते बाबा ने शुरू से ही दिल्ली वालों को खास, परंतु सभी के लिए, कि बहुत पक्का किया है कि बाबा का संदेश सब तक पहुँचे, खुद को संपन्न संपूर्ण बना लो, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लो, फिर आप देखना कैसे नगारा बजता है। तो अब
दादी ने एक नया चैप्टर शुरू किया है। मनसा सेवा शब्द हम बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, परंतु बाबा ने इस संदेश में यही कहा कि दादी का पार्ट अब जो होगा, जैसे कि दादी अनेकों को टच करती रहेंगी ताकि उनों की बुद्धि भी नरम होकर के बाबा तक पहुँचे, और फिर जो बाबा कार्य कराने चाहता है उनों की टचिंग के द्वारा, हम सब की हिम्मत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा वो कार्य अवश्य ही होगा। तो दादी जो ये 13 दिन वतन में रही है, मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि दादी हाजिर है, परंतु दादी अपने आकारी स्वरूप में हाजिर है, क्योंकि एंजल का पार्ट अब चालू है। ओम शांति।